हर हर महादेव, हर हर शंभू, सभी शिव भक्तों का हम इस वीडियो में सभी का स्वागत है। जैसे प्रदीप मिश्रा जी सब में बेस्ट, सब में फेमस, सबसे नंबर वन पे चल रहे हैं, इनकी कथा में भक्तों का सैलाब का रिकॉर्ड टूट जाता है। महासावन महाउत्सव चल रहा है, महादेव जी के लिए भक्तों के हृदय में अधिक से अधिक प्रेम जाग रहा है। देख रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी और उनके सेवादार, उनके शिष्य, उनके भक्त सभी महादेव शिवलिंग जी का अभिषेक कर रहे हैं पंचामृत से, धूप घास और फूल और रोली और दूध दही बेलपत्र इन सब से महादेव का अभिषेक होता है। यानी कि जो आपकी श्रद्धा हो, कहने को तो हमारे भोले बाबा जो नाम रखे गया है ना, भोले बाबा, भोले बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बहुत भोले हैं, उनको कुछ भी चढ़ा दो वो सब भक्त के हृदय को प्रेम देखकर सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे भगवान ने इतना चढ़ाने लायक, इतना हमें कुछ देने लायक किया है, तो हम अपनी खुशी से जो हमारी श्रद्धा होती है वो अर्पित करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण की कथा के माध्यम से जाने जाते हैं और इनकी कथा सुनने के लिए भक्त उतावले और बहुत व्याकुल रहते हैं। आशा चैनल से भी इनकी कथा सुनी जाती है। बात करें बागेश्वर धाम दी हिंदी शास्त्री पंडित जी की, जी हाँ, जो हाँ, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, दुबई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो या आगरे हो, जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं अपने सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आते हैं। वो अपना कल्चर, अपना स्वभाव किसी चीज़ के लिए, किसी के लिए नहीं चेंज करते। वो जैसे भेष में रहते हैं वैसे जाते हैं, ना मेकअप करते, ना श्रृंगार, कुछ भी नहीं करते, सादा सिंपल रहते हैं, फिर भी भक्त उनके दीवाने हो जाते हैं। क्यों? गुरुदेव का सबसे हटकर तरीका है, यानी कि मस्तक पर चंदन लगाने का तरीका सबसे हटकर है, वस्त्र पहनने का तरीका सबसे हटकर है, और चरणों में नज़र डालोगे तो लकड़ी की पादुका पहनते हैं और चांदी के छल्ले। आप देख रहे हैं सभी भक्त जहाँ भी, शहरों में भी बहुत इनको सम्मान, सपोर्ट और बहुत ही प्रेम करते हैं भक्त श्रद्धालु, और इनके चाहने वाले देशों में नहीं अन्य विदेशों में भी हैं। इनका सपना है हिंदू राष्ट्र बनाने का, दिन रात मेहनत करते हैं गुरुदेव हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और जहाँ भी जाते हैं सबके हृदय में राम जी का प्रेम जगाए जाते हैं। अब बात करें प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव की, जो वृंदावन में महापुरुष संत परम ज्ञान सभी ब्रजवासियों को और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी को हर कोई जानता है, जैसे कि कोई जानता है इस स्वभाव से कि किडनी जो ख़राब है वो वाले बाबा ऐसे जानते हैं, और जो बहुत से जानते हैं इनके वस्त्र से, जो पीले चंदन लगाते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं वो बाबा, बहुत से इनको पता होता है प्रेमानंद महाराज जी, तो वो नाम के माध्यम से भी जाने जाते हैं। लेकिन बात करें प्रेमानंद महाराज जी गुरुदेव की, हर रोज़ भक्तों को एक नया प्रचार सुनाते हैं, नया प्रवचन सुनाते हैं, नया ज्ञान, परम ज्ञान देते हैं, श्री राधा रानी सरकार की अद्भुत सेवा करते हैं। जी हाँ, जो भक्त राधा रानी का दर्शन करते ही रह जाता है, इतना प्यारा दर्शन। अब बताने चल रहे हैं देवकी नंदन ठाकुर जी के बारे में, जो कि गेवी वृंदावन में हैं, ब्रजवासी हैं, और श्रीमद् भागवत कथा बहुत समय से कर रहे हैं। सबसे पहले कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, जो आप देखते हैं इनकी कथा अद्भुत, जो शिव पुराण कथा की थी अभी वृंदावन में, अब शहर गए हैं विदेश कथा करने, और महासावन चल रहा है महाउत्सव, तो महादेव जी का भी देख सकते हैं कितना अच्छे से सब ने उत्सव किया था, महादेव जी का अभिषेक किया था। और अब बात करते हैं आपको श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुदेव के बारे में, जो गेवी वृंदावन में हैं, ये महान सेवाएं करते हैं, महान प्रश्नोत्तरी चलाते हैं, जो कहते हैं महान संत वही हैं जो सही वक्त पर सही जवाब और अपने हर बात का जवाब देख सकें, और सच्चे गुरु वही हैं जो परमात्मा के मार्ग पर चला दें, परमात्मा से दर्शन करा दें और नास्तिक को आस्तिक बना दें। गुरुदेव प्रश्नोत्तरी में हर उसका जवाब देते हैं, और यहाँ तक कि नहीं, महान सेवाओं के साथ साथ अपने फैमिली का भी ध्यान रखते हैं, और बहुत ही सुंदर इनकी वाणी है, बहुत सुंदर कथा करते हैं, जो भी इनको सुनता है इनका दीवाना, इनका फ़ैन हो जाता है, और यहाँ तक कि
देवकी नंदन ठाकुर जी, प्रेमानंद महाराज जी और श्री अनुरुद्धाचार्य जी, ये सब वृंदावन में ब्रजवासी हैं। अगर आप वृंदावन गए हो तो उनसे मिले होगे और इनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नहीं मिले हो, कौन कौन नहीं मिला है, कौन मिला है, कौन गया है वृंदावन, कमेंट बॉक्स में बताएं। इनके बारे में रोज़ आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट देते हैं, इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें गुरुदेवों के लिए। और